Hey guys, welcome back to our channel। तो भाई आज आप अपने सामने देख रहे हो, हम खड़े हैं भाई अपने स्टोर पे ग्रैंड मोटर एसेसरीज नाम से। भाई अपना स्टोर आ चुका है, जो कि मैं आपको दिखा दूं लोकेशन। तो रोहिणी सेक्टर 3 की अपनी लोकेशन रहने वाली है, अयोध्या चौक पे ही अपनी लोकेशन है। और साथ के साथ बात करोगे तो आप ये चीज़ देख लो, यहाँ पर खड़ी है अपनी जो वैगनर है, वो चीज़ खड़ी है ये अपनी। और इसके अंदर हमने आपने देखी है पूरी सीरीज़ पे, हमने इसके अंदर काम कर रखा है कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हमने कराई है। और किसी भाई के पास वैगनर हो तो क्या क्या चीज़ें भाई उसको लगानी है, कहाँ पर आ सकता है, कैसे चीज़ से तरीके से करा सकता है। तो हम भाई आज अपना ग्रैंड मोटर एसेसरीज पे, भाई जिसको भी कोई भी काम कराना हो आप अपना आउटलेट पे आके काम भी करा सकते हो, बाकी अंदर भी मैं दिखा दूंगा। और इसके अंदर क्या क्या काम हुआ है ये भी मैं आपको ओवरऑल आज पूरा सारी चीज़ें स्टार्ट से बात करें, इसके अंदर हमने क्या क्या लगा रखा है। तो भाई फ्रंट से भी आप देख लो सारी चीज़ें। सबसे पहले ऊपर जो इसकी रूफ है उसको हमने ब्लैक कर रखा है, प्रॉपर एवरी डेविनसन का रैप है ये अपना। और पास से भी आप देख लो कैसा कुछ अपनी रैप की क्वालिटी रहने वाली है। करवाए हुए भाई आपको भी पता है कि 7-8 महीने से ऊपर हो गए अपना रैप का, और कोई अब तक भाई यहाँ पर क्वालिटी में भी देख लो कहीं से बबलिंग भी आप चेकआउट कर सकते हो, कहीं से कोई बबलिंग वगैरह भी नहीं है। बाकी कहीं से उखड़ रही हो चाहे निकल रही हो तो वो मैं पास से भी आपको देख सकते हो, कहीं से कुछ भी ऑप्शन इसमें नहीं हो रहा। अगर भाई किसी भाई को करानी है बिल्कुल आप आके सस्ते प्राइस पे, भाई ये चीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ, सस्ते प्राइस पे आप ये आके करा सकते हो हमारे पास। मेन बात इसमें जो ORVM थे, ORVM को हमने इसके अंदर चेंज किया था, इसके अंदर VXI वाले ORVM आते थे, बाकी किसी भाई के पास LXI वाले आएंगे, ठीक है, जो अपने एडजस्ट नहीं होते, नॉर्मल बाहर से होते तो वो भाई अपना ले आ सकते हैं। उसके साथ हम भाई ये चीज़ आपका लगा देंगे प्रॉपर, ये भाई वैसे ना यूज्ड होते पर अगर आपको लगवाने हैं तो न्यू कंडीशन में होते हैं। बाकी यहाँ पर आप देख रहे हो स्क्रैच वगैरह भी कोई नहीं है। इसके साथ हमने इसके अंदर इंडिकेटर भी लगवा दिया था और अंदर से ये एडजस्टेबल होते हैं। तो भाई किसी भाई को LXI में अगर एडजस्टेबल वाले कराने हो तो एडजस्टेबल भी करा सकता है, बाकी इसके अंदर इंडिकेटर वगैरह भी सारा कुछ। फ्रंट से आप देखोगे तो फ्रंट से हमने इसके अंदर भाई कोई हेडलाइट्स में चेंज नहीं करा। तो भाई किसी भाई का अगर हाईवे पे ज़्यादा रनिंग वगैरह रहती है तो नीचे अपना प्रोजेक्टर डलवा लो, ऊपर इसके अंदर LED डलवा लो, सबसे बेस्ट अपना वो चीज़ रहती है। तो अभी हमने इसके अंदर हेलोजन ही रख रखा है, LED का आपके पास ऑप्शन रहता है, LED आप लगवा सकते हो। फ्रंट ग्रिल में क्रोम का ऑप्शन होता है, क्रोम का ऑप्शन हमने अभी कुछ भी नहीं करा रखा है इसके अंदर। और साथ के साथ नीचे बात करोगे तो एक हमने रेड स्ट्रिप लगवा रखी है, जो कि आप यहाँ से ये चीज़ देख सकते हो, रेड स्ट्रिप हमने पूरी लगा रखी है, थोड़ा GT लाइन सा लुक आए वो चीज़ के लिए लगा रखी है। नीचे बात करेंगे, हमने इसके अंदर प्रोजेक्टर लगाए थे, अपना किसी भाई को प्रोजेक्टर वगैरह लगाना चाहो तो वो भाई आप मार्केट में, मेरे पास बहुत कॉल भी आए, मैसेज भी आए कि भाई ये चीज़ मार्केट में कोई नहीं देता या मिलती नहीं जो ये आपने चीज़ें लगाई हैं। तो अब भाई अपने पास अपना स्टोर भी है, आप आके भाई यहाँ पर देख रहे हो ना, यहाँ पर एड्रेस भी अपना लिख रहा है, फोकस करके दिखाता हूँ मैं, तो यहाँ पर अपना एड्रेस भी लिखा है, तो अपना तैयार भी करा सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन इसमें हमने जो बम्पर प्रोटेक्टर लगाए थे अपने मारुति के जेन्युइन, इसमें हमने वो लगाए थे, वैगनर के ओरिजिनल हैं ये अपने रहने वाले, जो बम्पर प्रोटेक्टर की बात करोगे। साथ के साथ साइड में बात करोगे तो इधर हमारा इंडिकेटर आता था, ये चीज़ आपने देख ली। तो जैसा कि हमने मिरर चेंज कराया तो इंडिकेटर इसका निकाल के यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, और यहाँ पर हमने ट्रांसफार्मर का ये चीज़ लगा दी, आप मैं फोकस मार के भी दिखाता हूँ। नीचे बात करोगे तो अलॉय व्हील्स वगैरह इसके अंदर हमने ऐड करे थे, 16 इंचेस के ये अलॉय व्हील्स रहने वाले। टायर साइज़ वगैरह दिखाता हूँ, 185/55R 16 इंच अपने ये टायर है, और C8 का प्रॉपर ये टायर रहने वाला है, यहाँ से आप देख लो। और लगवाए हुए भाई आपको टाइम भी पता है कि कितना हो गया, क्या कुछ एडवांटेज है डिसएडवांटेज है, उसकी भी वीडियोस अपनी चैनल पे है तो वो भी आपके साथ बात करोगे। इसके अंदर जो हमने मड फ्लैप लगाए थे, कंपनी के ओरिजिनल मड फ्लैप इसके अंदर लगाए थे, बहुत जगह आप लगा सकते हो बाहर से मड फ्लैप पर भाई वो क्वालिटी नहीं मिलती। तो हमारे पास भाई जो भी अपना काम है सारा कंपनी का ये चीज़ होता है। और मेन साइड बिटिंग देख लो, लगवाए हुए गाड़ी को भाई 3-4 साल अपने साइड बिटिंग को हो गए, वैगनर की है ये अपनी, और इसकी भाई लुक भी आप देख सकते हो अच्छी खासी ब्लैक अपनी इसके अंदर लुक आती है, और पूरा आगे से लेके पीछे तक होती है ये, और प्रॉपर ABS क्वालिटी में ये हमने लगा रखा है। कहीं कहीं होता है कि भाई फाइबर क्वालिटी में लगा लो, पर भाई ये ABS क्वालिटी है। पीछे से आप ये चीज़ देख सकते हो, अलॉय व्हील मैंने दिखाया था, अंदर का सिल्वर पेंट कर रखा था। और बात करोगे भाई इसके अंदर अलॉय व्हील वगैरह 16 इंचेस के, तो वो भी चीज़ आप देख लो, और थोड़ी हमने इसको लिफ्ट भी करा रखी थी 1 इंच, तो वो भी चीज़ आपने साथ के साथ देख ली। बाकी बैक से बात करें तो बैक से हमने इसकी जो टेल लाइट है उसको स्मोक कर रखा है, आप ये चीज़ देख लो, टेल लाइट को हमने स्मोक कर रखा है। ऊपर से बात करोगे स्पॉइलर इसके अंदर हमने ब्लैक लगा रखा है, ब्लैक कलर का स्पॉइलर अगर भाई कोई भी भाई लगवा रहा है ये, ठीक है, तो ABS क्वालिटी में ये अपना स्पॉइलर आता है। इसके अंदर एक लाइट वाला भी होता है, वो चाइनीज़ होता है, बाकी आप यहाँ से क्वालिटी वगैरह देख सकते हो।
क्वालिटी वगैरह देख लो कैसी कुछ है, और इसकी फिनिशिंग वगैरह भी देखो, तो प्रॉपर ओरिजिनल है ये। तो ये हमने ब्लैक कलर का लगा रखा है। साथ के साथ बात करोगे, पीछे आपने ये चीज़ देखी थी बम्पर प्रोटेक्टर, तो ये हमने पीछे भी लगा रखे हैं। कैमरे की हमने प्लेसमेंट यहाँ पर कर रखी है, और नीचे हमने इसको पार्ट को ब्लैक करा था, जिससे आप लुक भी देख सकते हो पीछे से भाई, काफ़ी बोल्ड लुक आ रही है गाड़ी की। और दूर से भी अपना देख लो कैसी कुछ लुक निकल के आ रही है भाई, वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और थोड़ा बहुत जो यहाँ पर अपनी बैजिंग वगैरह है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा। और कैसी कुछ भाई, सिंपल सोबर मॉडिफिकेशन कर रखी है, पर जो अच्छी लगे वो मॉडिफिकेशन हमने इसके अंदर कर रखी है। पीछे मड फ्लैप वगैरह भी आप साथ के साथ देख सकते हो। रिफ्लेक्टर इसके अंदर हमने लगा रखे हैं मैट्रिक्स डिज़ाइन में, स्मोक वाले अपने ये रिफ्लेक्टर्स रहने वाले हैं। और जला वगैरह की भी मैं दिखा देता हूँ इनको कैसी कुछ अपने भाई ये। तो भाई यहाँ से देख लो, अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ, इसके साथ भी हमने इसको कनेक्ट करा रखे हैं। तो भाई यहाँ से मैं जैसे ही लॉक दबाऊंगा, आप देखना ये अपने जलते हैं, ये अनलॉक पे भी जलते हैं, और साथ के साथ इंडिकेटर पे भी जलते हैं ये, और ब्रेक पे भी जलते हैं। ये भी चीज़ हमने इसमें प्रॉपर ओरिजिनल वाली लगा रखी है, तो किसी भाई को चाहिए तो ये भी अपने पास मिल जाएंगी, और आके भाई आप अपना लगवा भी सकते हो। ठीक है, तरीके से भाई सारा बेस्ट काम होगा अपने पास ग्रैंड मोटर एक्सेसरीज पे। ये चीज़ आप शुरुआत से क्वालिटी वर्क देखते आ रहे हो, और वैगनर आपके पास भाई है और भाई आपको काम कराना है, तो भाई बिल्कुल अपना आप गाड़ी भी लेकर आ सकते हो। और धीरे धीरे भाई अपना नया आउटलेट है, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाओ, ज़्यादा से ज़्यादा काम कराओ गाड़ियों का। और भाई क्वालिटी वर्क की भाई गारंटी ले रहा हूँ, कहीं भी आप जाते हो इस क्वालिटी का काम भाई आपको नहीं मिलेगा। और हाईटेक थोड़ी और अच्छी बनवानी है इससे, तो अच्छी भी बना देंगे, वो भी आप आओ साथ के साथ, वो भी चीज़ मैं आपको गार्ड्स वगैरह जो आपको हैं ये सब बेसिक चीज़ें मैंने आपको दिखा दी। बाकी साथ के साथ बात करोगे तो ये अपनी जो बिडिंग है साइड की, ये भी मैंने आपको चेकआउट करा दी। अब यहाँ पर देखोगे तो हमने भाई इसके अंदर लगा रखे हैं डोर वाइजर्स, और डोर वाइज़र भी लगाए हुए भाई कम से कम 3 साल से ऊपर हो गए अपना, और कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से भाई आप क्वालिटी का काम चेकआउट कर सकते हो कि कैसी कुछ अपना क्वालिटी का काम रहने वाला है, और कितना कुछ सही आपको काम मिल जाता है। ये चीज़ भाई मेन होता है कि अगर भाई आप कहीं भी काम कराते हो तो क्वालिटी वर्क मेन काम मिलना चाहिए आपको। बाकी ले चलता हूँ गाड़ी के अंदर, उसके बाद अंदर देखना आपको क्या क्या चीज़ें हमने इसके अंदर लगा रखी है, क्या क्या नहीं लग रखी है। तो भाई अब आ गए गाड़ी के अंदर, गाड़ी के अंदर बात करें तो मेन तो हमने सबसे पहले यहाँ पर बात करोगे जो आप इसमें देख भी रहे हो, मैं चालू भी कर देता हूँ। ठीक है, तो ये भाई अपना हमने चालू कर दिए। तो मेन तो हमने इसके अंदर स्क्रीन लगा रखी है सबसे पहले, जो कि एंड्रॉयड की अपनी स्क्रीन रहने वाली है, और ये 9 इंचेस का अपना फ्रेम है, और फ्रेम की फिटिंग वगैरह भी आप यहाँ से देख लो। ये लो भाई, यहाँ से आप क्वालिटी का काम चेकआउट कर सकते हो। तो ये भाई हमने इसके अंदर फ्रेम लगा रखा है, 9 इंचेस का फ्रेम रहने वाला है। साथ के साथ बात करेंगे तो हमने इसके अंदर 9 इंचेस का एंड्रॉयड लगाया हुआ है। बात करोगे यहाँ पर स्टेयरिंग व्हील में, तो स्टेयरिंग व्हील को हमने रैप कर रखा है, जो कि नॉर्मल रैप है अपना। किसी को अपना भाई दो पार्ट में कराना हो, चाहे प्रॉपर जैसा कंपनी का आता है 3 पीस के अंदर, तो आप वो भी करा सकते हो। तो ये भाई अपना नॉर्मल 600 रुपये के करीब पड़ जाता है, 500-600 के रुपये के करीब, और वो आप लगवाते हो तो 1000 रुपये के करीब वो पड़ता है। पर वो चीज़ प्रॉपर आपकी जेन्युइन होती है, और 3 पीस में वो होता है और पूरा सेट होके लगता है। मेन हमें बेसिक चीज़ें चाहिए थी, तो वही चीज़ हमने लगा रखी है। बाकी सीट कवर वगैरह देखोगे इसके अंदर कंपनी के ही सीट कवर रहने वाले हैं अपने, और अभी ये बकेट फिट भी नहीं है, तो ये हमने कंपनी से यूज़ टाइम लिए थे, तो इसको भी अब भाई धीरे धीरे चेंज करेंगे। तो आप भाई अगर किसी को लगाने हो ना कंपनी फिटेड जो सीट कवर होते हैं बकेट फिट में, तो बकेट फिट में वही मान के चलो 4500 रुपये के करीब सीट कवर आते हैं, और पूरा भाई बकेट फिटिंग, जैसे ये अभी झोले मारे ना, तो ये झोले नहीं मारेंगे, और कोई सा भी डिज़ाइन कोई सा भी कलर 4500 के अंदर आप सीट कवर बनवा सकते हो। हमने एक इसके अंदर लकड़ी वाला आर्मरेस्ट भी लगवा रखा है, जो कि भाई अपना यहाँ पर ना रखने के काम भी आ जाता है। तो ये भाई अपना 600 रुपये के करीब होता है। बाकी ऑप्शन ये भी है कि आप इसमें स्लाइडेबल वाला लगवा सकते हो, जिसके अंदर चार्जिंग पॉइंट होता है, वो भी लगवा सकते हो। तो ये भाई हमने बहुत पहले लगवाया था, तो जब इसमें ये वाला चीज़ हमने लगवाई थी। अगर भाई अब ऑप्शन की बात करोगे तो मेन है कि अपना स्लाइडेबल वाला लगाओ, वो ज़्यादा अच्छी चीज़ रहती है। हमने नीचे इसमें नॉर्मल ग्रास मैट डाल रखे हैं, 12 mm के ग्रास मैट रहने वाले हैं ये अपने। और यहाँ से मैं अभी दुकान में भी आपको दिखा देता हूँ थोड़ा, तो यहाँ से आप ये चीज़ भी देख रहे हो ना, तो ये ग्रास मैट भी पड़े हुए हैं। तो किसी को 18 mm में मतलब मोटी क्वालिटी में चाहिए तो मोटी में भी मिल जाएगा, 12 mm में चाहिए तो 12 mm में भी मिल जाएगा,
और साथ के साथ आगे की बात करोगे तो इसके अंदर हमने JBL के कंपोनेंट लगा रखे हैं, एक पेयर ही अपना इसके अंदर हमने JBL का कंपोनेंट लगा रखा है, जिसकी बात करोगे भाई अच्छी खासी आवाज़ है। साथ के साथ ट्विटर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, उसके क्रॉसओवर इसके अंदर गेट के अंदर ही फिट हो जाता है। बाकी जो आपका ये है ना वैगनर का डोर, ये बहुत हल्का है तो इसमें आप भाई चाहो तो डैम्पिंग भी करा सकते हो। तो मैंने एक लेयर इसमें दोनों में डैम्पिंग करा रखी है, सिर्फ आगे वाले गेटों में। पीछे वाले गेटों में मैंने अभी क्या था कि स्पीकर नहीं चेंज कर रखे कोई भी, तो स्पीकर नहीं चेंज कर रखे तो इसमें मैंने अपना नॉर्मल जो डैम्पिंग वाली बात करोगे तो आगे वाले फ्रंट वाले गेटों में ही करवा रखी है। इसमें हमने भाई डोम ट्विटर्स भी लगा रखे हैं जिससे भाई थोड़ी आवाज़ अच्छी आए, ट्रिबल अच्छा आए, ठीक है, क्योंकि हमने बेस ट्यूब भी लगा रखी है। बेस ट्यूब का आप कनेक्शन आप ये चीज़ देख रहे हो, तो भाई ये सफाई का काम देख लो अगर आप भाई आते हो ना, तो ये सब चीज़ें भाई आपको कहीं क्वालिटी वाला काम जो है ये सब चीज़ें आपको नहीं मिलेगी। तो हमने इसके अंदर बटन भी लगा रखा है, ये हमने बेस ट्यूब बंद कर दी, यहाँ से हम बेस ट्यूब अपना ऑन कर सकते हैं। तो यहीं पर हमने कनेक्शन लगवा रखा है बेस ट्यूब का। ये चीज़ है कि भाई मान के चलो 100-200 रुपए ऊपर आपके लगेंगे, पर चीज़ अच्छी हो जाएगी, जेन्युइन चीज़ हो जाएगी। आपको भाई कभी बंद करना है फैमिली के साथ हो, फैमिली के साथ बंद भी कर सकते हो, चालू करना है भाई चालू भी कर सकते हो इसको। ये चीज़ आपने देख ली, एंड्रॉयड मैंने आपको दिखा दिया। और ये नहीं कि भाई मैं अभी से ही आपको काम दिखा रहा हूँ, बहुत पहले से मैं आपको काम दिखाता हुआ आ रहा हूँ गाड़ियों का, और अब तक भी आप देख रहे हो। और भाई बहुत लोग पसंद भी करते हैं चीज़ों को, क्योंकि भाई क्वालिटी वाला काम है। तो मेन अगर भाई किसी भाई को वैगनर में प्रॉपर मॉडिफिकेशन, अच्छी एसेसरीज़ के साथ, बढ़िया एसेसरीज़ के साथ, बाकी आजकल भाई मार्केट में आप चले जाओ कोई भी कुछ भी चीज़ चिपका दे रहा है, वो चीज़ भाई मत लगवाओ, उससे बचो। क्योंकि गाड़ी भाई आपकी है, गाड़ी ख़राब होगी आपकी, वो बंदे ने एक बार लगा दी तो वो चीज़ आपके जिम्मे हो जाती है। तो ये चीज़ है, अगर भाई किसी भाई को अगर लगवाना है तो भाई बढ़िया क्वालिटी वाली चीज़ें लगवाओ, 500-1000 रुपये महंगी पड़े या चीज़ अच्छी लगाए, अगर ये 3500 रुपये से चालू हो जाते हैं। अगर किसी भाई को लगवाने हैं तो भाई बिल्कुल आ सकता है, अच्छी चीज़ों पे जाते हो 4500, 5500, 6000 रुपये ऐसे करीब जाते हैं, जिसमें फ्रेम भी इंक्लूडेड होता है, आपकी वायरिंग प्रॉपर कपलर टू कपलर करते हैं। मेन चीज़ होता है कि वायर कटिंग नहीं होती, प्रॉपर कपलर टू कपलर मैंने हर चीज़ की फिटिंग इंडिविजुअली भी दिखा रखी है कि किसी भाई को करानी हो तो अपना आ भी सकता है। पीछे आप अपने मैट्स वगैरह देख सकते हो, यहाँ पर अपने मैट्स वगैरह लगा रखे हैं, बाकी थोड़ी गाड़ी गंदी हो रखी है तो माइंड मत करना। और किसी बाइक को स्टीयरिंग कंट्रोल भी चेंज कराने हो तो स्टीयरिंग कंट्रोल भी चेंज करा सकता है अपना। और वहाँ पर अपने हमने ये देख रहे हो ना आप ट्विटर की प्लेसमेंट, तो प्रॉपर सफाई से करिए इसको, आप चाहो तो इसके अंदर भी करवा सकते हो, पर मैंने नहीं करा रखा इसके अंदर कि अगर भाई कल को मेरे को स्पीकर उतारने तो सफाई वाला काम रहे, कहीं छेद छूद ना हो, तो ये चीज़ हमने इसमें लगा रखी है। बाकी वाइट लाइट आप यहाँ से देख ही सकते हो, प्रॉपर वाइट है ये अपना, रात में इसका रिस्पांस बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने जो बेसिक काम हैं वो करा रखे हैं। और किसी भाई को प्रॉपर टॉप मॉडल बनवाना है, अलॉय व्हील्स नहीं लगाने, जरूरी नहीं है कि आप अलॉय व्हील्स ही लगाओ, टॉप मॉडल वाला काम कराना है वो भी आप करा सकते हो, अच्छे कुछ प्राइस रेंज में और बढ़िया क्वालिटी के साथ, ओरिजिनल आइटम के साथ। ये चीज़ें भाई आपको क्वालिटी टाइम के साथ यहाँ पर देख रहे हो, हमने इसके अंदर JBL का 1300 वॉट का वूफर भी लगा रखा है, साथ में पंक ऑडियो का अपना 4 चैनल एम्प भी लगा रखा है जो कि हमने वूफर के पीछे ही लगा दिया। अब कई कई बंदे क्या होते हैं कि सीट के नीचे प्लेसमेंट करते हैं, अब सीट के नीचे प्लेसमेंट करने में क्या दिक्कत होती है कि मान लो आप कहीं भी घर वालों के साथ जा रहे हो, फैमिली के साथ जा रहे हो, तो यहाँ से देखोगे ना तो अपना भाई पैर लगेंगे तो तारे वगैरह टूटती हैं, और तारे वगैरह टूटेंगे तो फिर वही चीज़ है ना, थोड़ी बेकार सी होने लग जाती है। तो इसीलिए हमने क्या करा कि इसके पीछे ही हमने एम्प फिट कर दिया है, एम्प के अंदर ही सारी वायरिंग डाल दी है, आप ये चीज़ देख सकते हो। और साथ के साथ आप यहाँ पर देख रहे हो JBL का 1300 वॉट का हमने वूफर रख दिया एक साइड, जिसमें हम सामान भी रख सकते हैं, कल को हमें तारे निकालनी है अपना तारे निकाल के इसको लगा भी सकते हैं। स्पॉइलर वगैरह आपने देख ही लिया, बाकी कैसा कुछ अपना जो भी आपको काम वगैरह है कैसा कुछ लगा, और जो भी चीज़ है मान लो वैगनर है आपके पास, मॉडिफिकेशंस वगैरह करानी है बिल्कुल अच्छे तरीके वाली, अच्छी क्वालिटी वाली, वो सब काम कराने, तो आप बिल्कुल भाई अपना आ सकते हो ग्रैंड मोटर एसेसरीज पे। यहाँ पर आप एड्रेस भी देख लो, अपना आउटलेट भी देख लो, साथ के साथ ये मेन रोड पे ही अपना आउटलेट है, ठीक है, तो ये चीज़ देख लो। और इधर मैं साथ के साथ आपको दिखा दूँ तो अपने पास भाई टियागो CNG भी है, ये भी हमने तैयार करी है, इसकी भी वीडियोज़ में आपको अब धीरे धीरे आती रहेंगी, जैसे जैसे आप अपना चैनल पर हो तो ये भी अपनी वीडियोज़ आती रहेंगी। और यहाँ पर गाड़ी कैसी कुछ लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, जैसे भी आप पहले भी अपना काम पूरा देखते हुए आ रहे थे और अब भी आप पूरा काम देख रहे हो गाड़ी का, और धीरे धीरे इसके अंदर जो जो और मोड्स होते रहेंगे मैं वो भी चीज़ आपको दिखाते रहूँगा। तो बिल्कुल अगर भाई आपको आना है काम कराना है तो ग्रैंड मोटर एक्सेसरीज पर आ सकते हो, गाड़ी का पूरा काम वैगनर का कोई भी हो, अलॉय व्हील्स नहीं लगाने, अलॉय व्हील्स के बिना भी ऐसा काम कर देंगे
कि भाई दुनिया बोलेगी कि भाई क्या गाड़ी बना रखी है। ठीक है, तो भाई बिल्कुल आप आ सकते हो। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके आप कुछ भी पूछ सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो चैनल को। बाकी अपना स्टोर आ चुका है मेन अपना रोड पे, आउटलेट पे, तो ये भी भाई आके जल्दी से जल्दी विजिट करो और पूरा अपना गाड़ी का काम जितना है करा सकते हो। और नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, तो कॉल करके प्राइस वगैरह भी आपको लेना है या आप आ नहीं सकते अनदर स्टेट में शिपमेंट चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।